अब ग्रामीण इलाकों में बेघरों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्लॉट खरीदने के लिए भी 50,000 रुपयों का अनुदान दे रही है। जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे और जिला परिषद सीईओ योगेश कुंभेशकर ने प्रेस परिषद में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार 20 नवंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक 100 दिनों का महाआवास अभियान जिले में चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से विविध घरकुल योजनाओं को अमल में लाया जा रहा है। अब तक जिले में 41,732 घरकुल मंजूर किए गए हैं और उनमें से 21,618 पूर्ण हो चुके हैं, शेष का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि आवास योजना का लाभ उन्हें दिया जा रहा है जिनके पास खुद की जमीन है। ग्रामीण इलाकों में ऐसे लाभार्थी को मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें भी घर दिलाने के लिए सरकार ने पहले प्लॉट खरीदने के लिए अनुदान की व्यवस्था की है। यह 50,000 रुपए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जमीन खरीदी आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दिया जाएगा और फिर उन्हें आवास योजना के तहत घरकुल मंजूर किया जाएगा। इस योजना के लाभार्थियों का जिले में सर्वे भी कर लिया गया है और जिले में 7,375 लाभार्थियों की सूची बनाई गई है। अगर इन लाभार्थियों के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई तो उनके खुद के घर बन पाएंगे। जिलाधिकारी व सीईओ ने कहा कि संबंधित गांव जाके लाभार्थी चयनित किए गए हैं। अगर वहां का कोई किसान या व्यक्ति बेघरों को घर उपलब्ध कराने के लिए अपनी जमीन उपलब्ध कराता है तो उसकी कृषि भूमि को अकृषक करने यानी एनए करने में जिला प्रशासन का राजस्व विभाग सहयोग करेगा। इस संदर्भ में एनएमआरडीए से भी सहयोग लिया जाएगा। इस योजना के तहत कम से कम 500 वर्ग फीट जमीन की खरीदी आवश्यक है और यह 1,000 वर्ग फीट तक भी हो सकती है। ठाकरे ने कहा कि एक लाभार्थी के लिए 50,000 रुपयों में सेपरेट प्लॉट की व्यवस्था करना मुश्किल है, इसलिए अगर गांव के सभी लाभार्थियों के समूह के लिए बड़ी जमीन उपलब्ध कराई गई तो उन्हें घरकुल मिल सकता है। उदाहरण के लिए अगर किसी गांव में 20 लाभार्थी है तो 50,000 के हिसाब से कुल अनुदान की राशि 10 लाख रुपए होती है, इससे जमीन खरीदी जा सकती है। लेकिन गांव के नागरिक ही आगे आकर जमीन उपलब्ध कराए तो प्रशासन बेघरों को घरकुल उपलब्ध करवा सकता है। अपनी मदद हीच पाहिजे आहे की त्या गावात कुणीतरी हा पुढाकार घेतला पाहिजे। आमचे ही यंत्रणेला आम्ही ते सांगितलेले आहे, कुणीतरी पुढाकार घ्यावा। त्याला जे एक वाटतं त्या गावात जर त्यांनी आकृषक जर त्याला करायचं राहिलं तर ते करून घेण्याकरता सुद्धा आम्ही जे काही आमच्या परीने सगळी मदत आम्ही त्यांना ती करणार आहोत। म्हणजे पाव एकरापासून अर्धा एकरापासून एक एकरापर्यंत सगळ्यांचं आपल्याला त्याच्यात आकृषकसुद्धा करता येईल। एका एकरा सरासरी 1,000 चौरस फुटाचं जर प्लॉट म्हटलं एक, परंतु त्याच्यात 25 प्लॉट बसतात कारण रस्ते आहेत बाकीच्या गोष्टी आहेत, तर हां तर त्याच्यामुळे आपल्याला त्याचीसुद्धा आम्ही मदत म्हणजे म्हणून आम्ही सगळीच यंत्रणा जी आहे महसूल प्रशासनाची आणि जिल्हा परिषदची सुद्धा ही सगळी याच्यासाठी लावतो। हा माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी जसं म्हटलं की 28 फरवरी म्हटलेलं आहे, मागच्या 3 महिने ते ऑलरेडी आपला हा कालावधी ग्रामपंचायतच्या निवडणुका होत्या, आचारसंहिता होती, आपल्याला बऱ्याचशे बंधनं त्याच्यामुळे सुद्धा होते। तर हे आता आपलं आता आचारसंहितासुद्धा संपलेली आहे, कालच संपली आणि त्यामुळे आता आपण हे याला फार एक सगळ्यांच्या प्रयत्नांनी आपल्या जिल्ह्यामध्ये हे सगळं उद्दिष्ट जे आहे त्याची पूर्तता व्हावी हा एक उद्देश आहे। आता या अभियानामध्ये नागपूर जिल्ह्याची जी कार्यवाही आहे आणि नागपूर जिल्ह्यामध्ये काही विशेष असे मुद्दे आहेत ज्यामध्ये आपल्यामार्फत आम्हाला नागरिकांपर्यंत देखील पोहोचायचं आहे, त्याचा उद्देश आहे आज इथे आपल्याला बोलवायचा। तर आत्तापर्यंत आपण 41,732 एवढ्या घरकुलांना सँक्शन्स दिले आहेत आपल्या नागपूर जिल्ह्यामध्ये, म्हणजे काही मागच्या वर्षामध्ये पण आधीच्या वर्षांच्या पण आहेत सँक्शन्स। आत्तापर्यंत एकूण जी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आणि बाकी राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत जी सँक्शन झाली आहेत त्याचा हा आकडा आहे आणि त्यापैकी 21,618 घरकुले आजमितीस पूर्णत्वास आली आहेत आणि बाकी अंडर प्रोसेस आहेत। तर मग यामध्ये काही असे लाभार्थी आहेत, अजून काही असे लाभार्थी आहेत की ज्यांना आपण घरकुल मंजूर करू शकतो, मात्र त्यामध्ये त्यांना एक अडचण जी आहे की त्यांची स्वतःच्या मालकीची जागा नाही। तर त्यामध्ये राज्य शासनाची आधीपासून जी चालू आहे अशी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल अर्थसहाय्य योजना आहे, त्या योजनेअंतर्गत एका लाभार्थ्यास आपण मॅक्झिमम 50,000 रुपयापर्यंत अर्थसहाय्य देऊ शकतो। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोडके साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।